सब्सक्राइब करें कैपिटल न्यूज पलामू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका कुख्यात 5 लाख का इनामी नक्सली मुखदेव यादव को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुरिल्ला दस्ते का सक्रिय माओवादी मुखदेव सब जोनल कमांडर के पद पर सक्रिय था और लगातार संगठन का विस्तार करने में लगा हुआ था। कई विस्फोट, हत्या, आगजनी, टावर उड़ाने समेत अन्य घटनाओं में शामिल मुखदेव को पलामू पुलिस कप्तान इंद्रजीत महथा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अभियान एसपी व सीआरपीएफ 134वीं बटालियन के संयुक्त छापेमारी अभियान में घेराबंदी कर हरिहरगंज के गिद्धी टोला से गिरफ्तार किया गया है। पलामू पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। पलामू पुलिस और सीआरपीएफ 134 बटालियन की संयुक्त टीम ने जो है कल गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी छतरपुर थाना क्षेत्र से हुई है। इसके ऊपर 5 लाख की इनामी राशि गृह विभाग झारखंड सरकार द्वारा घोषित था। इसका जो कार्य क्षेत्र था यह हरिहरगंज, नौडिहा बाजार, डुमरिया और औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में था। अभी हाल ही में जो बिहार में जो चकरबंदा में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों की, उसमें भी ये नक्सलियों की संगठन में शामिल था। अभिजीत यादव के साथ अभी इसका जो है संगठन में चल रहा था। कुल मिला के पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।